गुरुग्राम रमाडा होटल में गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने मीडिया वालों से दीपावली के उपलक्ष्य में प्रेस मीट का आयोजन किया। इस प्रेस मीट में जहां गुड़गांव के लोकल अखबार नेशनल अखबार वालों ने सहभोज का आनंद लिया, वहीं वेब पोर्टल और वेब चैनल वाले भी इस प्रेस मीट का हिस्सा बने और विधायक के सहभोज में परोसे गए भोजन का लुत्फ उठाया। इस मौके पर विधायक सुधीर सिंगला के नुमाइंदे ही मीडिया वालों को अटेंड करते नहीं दिखे, बल्कि सिंगला ने स्वयं उपस्थित मीडिया वालों का आतिथ्य सत्कार किया। वे बड़ी ही मितव्ययता से मीडिया वालों को भोजन के लिए आमंत्रित करते रहे। उनका यह व्यवहार देखकर मीडिया वाले गद हो गए। उन्होंने भोजन के बाद दीपावली की अग्रिम विदाई के साथ साथ मीडिया कर्मियों को मिठाई और तोहफे देकर विदा किया। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव के बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इलाहाबाद वह स्वयं होकर आए हैं और इलाहाबाद में भी भाजपा की जीत पक्की है। हालांकि जब उनसे इलाहाबाद के उपचुनाव में गोविंद गांडा को ही टिकट देने के बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गोविंद गांडा की छवि पर कोई दाग नहीं है और उनकी इलाहाबाद में अच्छी खासी पकड़ है और उन्हें वहां से जीतने में कोई नहीं रोक सकता। यह हम बता दें कि गोविंद गांडा गोपाल गांडा के भाई हैं, जिनकी अपनी ही एक कर्मचारी के खुदकुशी प्रकरण में आरोपी होने के कारण उनकी छवि पर सवालिया निशान है। सूत्रों से मिली जानकारी से यह भी पता चला है कि इलाहाबाद के वासियों ने यह तय किया है कि भाजपा या गोपाल गोविंद गांडा को गांव में घुसने भी नहीं देंगे। वहां से चौटाला पार्टी की जीत की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, जबकि वहां से कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल भी अच्छी खासी तैयारी किए बैठे हैं। सुनने में तो यहां तक भी आ रहा है कि इलाहाबाद उपचुनाव के बाद के ऊपर भाजपा का भविष्य टिका है। देखना यह है कि इस चुनाव के बाद भाजपा इस चुनावी समर में डूब जाएगी या सरकार अपनी जीत का परचम लहराएगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी अटकलों का बाजार गर्म है कि किसानों के साथ जो निंदनीय कृत्य हुआ है उसकी भी अच्छी खासी भर्त्सना की जा रही है। खट्टर के जो 22 जिलों में पुतले फूके गए हैं उसका भी इस उपचुनाव पर असर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी सभी संचय में है कि देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। यह तो समय के गर्त में समाया। यह खाना परोसा गया है जो मीडिया वालों को। पूछना चाहूंगी कि इलाहाबाद चुनाव के बारे में मैंने सुना है कि इलाहाबाद से अगर गोविंद कांडा जी की अगर जीत होती है या हार होती है उस पर बहुत कुछ चुनावी उस पर फर्क पड़ेगा सरकार पर। और पता लगा है कि किसानों ने वहां तय कर लिया है कि गोविंद कांडा या बीजेपी पार्टी को अंदर गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। ना ना, हम तो जा रहे हैं, बीजेपी आदमी जा रहे हैं, सभी गाँव में जा रहे हैं, वो जरूर थोड़ा सा मचाते हैं वो, और थोड़े बहुत गांव के अंदर शोर मचाया था, लेकिन हम जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और मेरे ख्याल तो अब तो रुझान हमारे पर बन गया है वो, और हम वो भी और जीते हैं। और जीत हार से कोई सरकार गिर जाएगी या सरकार बन जाएगी ऐसा कोई नहीं है, वो सरकार तो हमारी अलग है वो, और चुनाव इसका अलग है। नहीं, सुनने में आ रहा है कि शिक्षा तक ही आपका बीजेपी का वो है जो प्रचार प्रसार सीमित हो रखा है और वहाँ गांव में लोगों ने ठान लिया कि बीजेपी को घुसने दिया जाएगा और चौटाला सरकार को ही लाएंगे, क्या ऐसा कुछ है? ना जी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर गांव और सुनाएगी गीतिका और वो वापस गीतिका कांड जो है वापस से वो चर्चा का विषय बन गया वहाँ पर। क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ, मैं तो कहता हूँ उनके लिए है जिनके एलिगेशन के खिलाफ लगा था वो, लेकिन ये वो बात नहीं है कि अगर क्रिमिनल ऑफेंस को कर देता है या हो जाता है या कोई मनगढ़ंत बना देता है वो, तो उससे सारा परिवार नहीं लिपटता। ये सिविल लाइबिलिटी नहीं है, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो, और क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए उसके लिए जो दोषी होंगे वो सजा लेंगे वो, लेकिन इससे उसका मतलब नहीं है कि गोविंद कांडा जी इसके अंदर लपेटे में आ गए। नहीं, क्या वजह है कि आपने जो चर्चा में रहे गोपाल कांडा जो जिनको अरेस्ट करने की कोशिश की कि उन्हीं के भाई को आपने टिकट दिया आपकी पार्टी ने, ऐसा मतलब कुछ खास वजह रही गोविंद कांडा को टिकट देने की या कोई और इसकी वजह है? हमारे हिसाब से वो वैसे पार्टी तय करती है, पार्टी की हाईकमांड तय करती है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा था जो इलाहाबाद के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, तो इसके लिए हमने उसको चुना था
और वो और उपयुक्त कैंडिडेट है। और गीतिका की तो कोई आवाज़ ही नहीं है कि कोई वहाँ पर कोई क्वेश्चन उठा रहा हो, वो गोपाल कांडा जी के बारे में कोई क्वेश्चन उठा रहा है।